काला ढूंगी की लाइफलाइन कही जाने वाली सिंचाई नहरों का पानी पिछले 6 दिनों से बंद पड़े होने से क्षेत्र के कृषक ग्रामीण परेशान है। इन सिंचाई नहरों के पानी से चलने वाली पंचक्कियों के बंद हो जाने से चक्की ठेकेदार भी अब परेशान हो रहे हैं। वहीं काला ढूंगी में 1856 की ये ऐतिहासिक सिंचाई नहर है, जिसमें पहाड़ी स्रोत से लाया हुआ पानी हर समय चलता रहता है। इस समय नहर के साइफन में रेता बजरी फंस जाने की वजह से नहरों के पानी को बोर नदी में छोड़ा गया है। काला ढूंगी से मुकेश छिमवाल की रिपोर्ट। समस्या तो ग्रामीणों की 20 तारीख को तो ऐसा लगा शायद रात पानी बंदा टूट गया है, सुबह तक या कल तक पानी आ जाएगा, लेकिन 3-4 दिन हो गए पानी नहीं चला। क्षेत्र में जनता बहुत आक्रोशित है, वैसे देखा जाए तो समस्या से अवगत तो हम यहाँ पर आकर के हुए। जब आकर के देख रहे हैं तो ये तो पूरी नहर चौक पड़ी है, इतनी जल्दी इसका पानी का सुचारू रूप से चलना तो असंभव दिख रहा है। 20 तारीख को जो ये बारिश हुई है उसमें क्या हुआ कि ये मलवा जो सिल्टी ज़्यादा आने से पूरे जो हमारे ये मेन स्टार्टिंग में जो एक साइफन है लगभग 36 मीटर का, उसके बाद में 52 मीटर और वो वाला पूरा पूरी तरफ से बंद हो गया है और वो रेत जो है पूरी भर गई है उसमें। तो इसलिए हम अब इसको क्या कर रहे हैं कि अल्टरनेट व्यवस्था भी सोच रहे हैं और लेबर लगी हुई है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये पूरा मलवा जो हमने अभी निकाला है और लेबर लगी हुई है कंटिन्यू हमारी।